दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी ने हम सभी की जिंदगी को पलट कर रख दिया है। जहां हम पहले से कई ज्यादा चीजों को लेकर सचेत हो गए हैं, क्योंकि पहले हम यूं ही कहीं भी बैठ जाते थे, किसी से भी हाथ मिला लेते थे और कुछ भी खा लेते थे। लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया है कि ये वायरस किसी भी चीज में मौजूद हो सकता है। ऐसे में हम सभी अपना हर एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं, ताकि दुनिया भले ही इस वायरस की चपेट में आ जाए, लेकिन हमें कुछ नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कभी नहीं सुधरने वाली, और आज की इस वीडियो में हम इस बात का पुख्ता सबूत देने वाले हैं, जहां आप कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपको कहीं भी कुछ भी खाने से पहले हजार बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कोरोना वायरस से अपनी नजर हटा के हंता वायरस पर लगाए, तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि ये चूहों से फैलता है और इतना जानलेवा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले इस वायरस की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। ऐसे में जब चूहे पूरे खाने में दौड़ रहे हो, तब क्या हो? जी हाँ, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में चूहे मिर्च के अंदर ऐसे भरे पड़े हैं मानो ये इनका घर हो। अब आप खुद ही सोचिए, जब इस तरह से मिर्च के अंदर चूहे कूदेंगे तो ये कितनी भारी मात्रा में इन्फेक्शन फैलाएंगे, और यही इन्फेक्शन मिर्च के जरिए हमारे शरीर में जाएगा, जो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और दोस्तों, जब बात साफ सफाई की आती है तो हमारा भारत इस चीज में कोसों दूर है, क्योंकि यहाँ इतनी आबादी में लोगों को खाना ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसे साफ करके तरह तरह की नौटंकी कोई नहीं करना चाहता, इसी वजह से लोगों ने गंदगी में ही जीना सीख लिया है। क्योंकि स्वच्छता का महत्व तो सबको पता होना चाहिए, और अगर इंसान खाना ही स्वच्छ नहीं खाएगा तो खुद सुरक्षित कैसे रहेगा? खैर, जो भी हो, ये बात तो आपको और हमको अच्छे से पता है कि हमारे भारत में किस किस तरह से लोग खाद्य पदार्थ को रखते हैं। और अगर आपको अभी भी हमारे बातों पर डाउट है तो जरा इस वीडियो को देखिए, जहां मुंबई के एक नाले के पास इतने सारे लोग बैठकर गाजर को धो रहे हैं, और वो भी अपने पैरों से, जो कि कहीं से भी साफ नहीं लग रहा। अब आप खुद ही सोचिए, इतने गंदे पानी के साथ वो भी गंदे पैरों से गाजर जैसी चीज धोई जाएगी तो हमारा क्या होगा, कैसे काम चलेगा? क्योंकि गाजर तो हम सभी अपने सलाद में इस्तेमाल करके खाते हैं, और मुंबई जैसे जगहों में जहां पर आधे से ज्यादा लोग डाइटिंग पर रहते हैं, तो यहां उनका काम इन्हीं गाजर और मूली से ही चलता है। ऐसे में अगर वो इस तरह के खाना खाएंगे तो उनकी डाइटिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब जब आप भारत में खाए जाने वाले खाने की हालत देख रहे हैं, तो जरा इस वीडियो पर भी अपनी नजर डालिए, जहां पर ये व्यक्ति गंदे पैरों से आलू को मसल रहा है, और इसका आलू मसलने का तरीका ही इतना गंदा लग रहा है तो सोचिए खाने वाले का क्या हाल होगा। और तो और, इससे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये आलू सूखा पड़ने के कारण भुखमरी की हालत में आए हुए गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि लोग भूख से मरे या ना मरे, लेकिन इस तरह का गंदा खाना खाकर जरूर मर जाएंगे। दोस्तों, अफ्रीका में पड़ने वाली गर्मी के बारे में तो आप सब बखूबी जानते होंगे, क्योंकि वहां का तापमान अपना कहर दिखाने से बाज नहीं आता। ऐसे में इतनी गर्मी पड़ने की वजह से खाने पीने की चीजों को ज्यादा देर तक सुरक्षित करके रखना वहां के लोकल लोगों के लिए मुश्किल वाला काम हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह मीट इतनी गर्मी में यूं ही पड़ा हुआ है। अब मीट को गर्मी के मौसम में यूं ही खोलकर रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो खराब हो जाएगा, जो बाद में खाने लायक नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी लोग उसे बेच देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।